Since now we are here, let's finally and officially start the interview. So I'm joined by Shweta Lohar, if I'm not pronouncing your name wrong. Not at all. Shweta Lohar, and what I know about you is that in the past month, October, you just won the third position in the international essay writing competition organized by Mona Mosumi. So congratulations for that, and virtual applause. थैंक यू सो मच. अब ये तो हम जानते हैं कि मुझे बस इतना पता है कि श्वेता के बारे में, बट एक्चुअली में श्वेता क्या है, आई लव टू गेट समथिंग फ्रॉम यू. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज. ओके, सो मेरा नाम श्वेता लोहार है. मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में रहती हूँ, और मेरा एजुकेशन जो है, अब मैं थर्ड ईयर इंजीनियर सॉरी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ. हम लोग एजुकेशन वाइज बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, बट एटलीस्ट राइटिंग है एक चीज जो हमें यूनाइट करती है बहुत ज्यादा. डज नॉट मैटर हम लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या लॉयर हैं, बट राइटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग राइटर्स हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मोनो मौसमी का प्लेटफॉर्म आपको मिला कैसे? ओके, तो हुआ ऐसे कि मैं मेरे यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे थे, तो अब यूनिवर्सिटी लेवल का तो हो गया, पर अब मुझे ऑनलाइन मेरे आर्टिकल सबमिट करने थे, तो जस्ट मैं गूगल पे जाके सर्च कर रही थी, तो मुझे मोनो मौसमी का पेज मिला. तो वहाँ मैंने सब एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि ये मंथली कॉम्पिटिशन है, तो वैसे पता चला मुझे. That's something very good. मैंने भी शायद मोनो मौसमी के बारे में first time Google पे ही देखा था, and specially the biggest perk was कि it's an international event, तो वो exposure बहुत important होता है. So second question पे अगर हम जाएं, तो writing के लिए passion कैसे start हुआ? ये एक बहुत ही like patent question है जो सब पूछते हैं, because as a you are want to get this question ki inspired yes. How did this passion start? Start hua aise ki maine khud writing shuru nahi ki thi, matlab mere jab almost fourth or fifth standard mein thi, tab maine kuch likha tha, mujhe bhi wo yaad nahi hai ki I'm not really able to remember what I wrote at that time. बट मेरी बहन ने वो पढ़ा, मेरी बड़ी जो बहन है जयश्री लोहार नाम है उनका, तो उन्होंने वो पढ़ा और उन्हें वो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने ठीक है स्टार्ट कर दिया लिखना थोड़ा थोड़ा, और मेरी बहन ने वो मेरा टैलेंट एक्चुअली कैप्चर किया. मेरी बहन ने वो देखा जो मैं खुद पे नहीं देख पाई, लिटरली शी इज द वन, शी इज द रीजन फॉर माई राइटिंग. Okay, so एक question मेरा ये भी था कि who is your inspiration, so I consider this is the answer. Is she the inspiration? Of course, that's it. So हाँ, एक definitely एक yes, she is the only one. हाँ, एक person होता है जो हमारे पीछे जो हाँ उन्होंने ही दिया. Definitely. So चलिए इस motivate करता है. Yeah, right. इस interview के like माध्यम से हम लोग उनको thanks भी बोल सकते हैं कि definitely she did a very good job. जी बिल्कुल. Yes. So अच्छा, next question, आपका favorite author कौन सा है और क्यों? Okay. Frankly speaking, मुझे books read करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मुझे जब भी मैं बुक्स लेती हूँ, मुझे लिटरली नींद आ जाती है, तो मैं बुक्स रीड करना पसंद नहीं है. मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, पर बुक्स मैं नहीं रीड करती. रीडिंग में ओके, गूगल पे जाके रीड करती हूँ, या फिर यूट्यूब पे जाके इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वही करती हूँ. ऑनलाइन आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल. और मैंने लास्ट टाइम एक बुक पढ़ रखी थी मृत्युंजय नाम की, जो शिवाजी सावंत इस ऑथर ने लिखी थी, तो वही एक बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बुक जो है वो महाभारत के कैरेक्टर के ऊपर लिखी हुई है. कर्ण ऐसा कैरेक्टर था वो, तो
वो उसकी उनकी बायोग्राफी है, तो उनकी राइटिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो मेरे फेवरेट ऑथर है। नहीं, आपने एक अच्छा सा इंट्रो भी दे दिया, सो इफ एनीवन वांट्स टू एक्सप्लोर तो वो डेफिनेटली इस बुक को ट्राई कर सकते हैं. डेफिनेटली दैट्स अ वेरी एक्सलेंट बुक। और प्लस पॉइंट इस बुक में मुझे अब ये भी लग रहा है कि समबडी जिसको रीडिंग करना बुक उतना पसंद नहीं है वो ये बुक रिकमेंड कर रही है. एग्जैक्टली वो पढ़, बट हाँ तो कुछ अच्छा तो स्पेशल तो होगा ही हाँ, उसमें। डेफिनेटली उस बुक में कुछ ना कुछ तो एग्जैक्टली स्पेशल होगा कि इतना आपके दिमाग में वो स्टिक कर होगा। गया कि दिस बुक शुड बी रेड. हाँ कि मुझे हाँ, सो आई होप यस यू विल एग्जैक्टली लुक इनटू दिस बुक. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली। कोई टिप्स है जो आप देना चाहेंगे क्रिएटिव राइटिंग अगर कोई लिखना चाहे तो, कोई टिप्स? ओके, टिप्स मैं ये देना चाहूंगी कि अगर आपको एक राइटिंग के फील्ड में जाना है तो जस्ट लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है इसलिए आप मत लिखो। जब जब आपको लिटरली लिखना होता है कि आपके आपका जो पैशन जो होता है कि मुझे हाँ लिख सकती हूँ मैं और लिख सकता हूँ मैं, तभी लिखिए। क्योंकि क्या हो जाता है अगर किसी बंदे को या और किसी को राइटिंग अच्छी नहीं लगती फिर भी वो लिखना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव बन जाता है, उसमें कुछ इमोशंस नहीं होते, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसलिए पहले एक्सप्लोर करो कि आपको सच्ची में लिखना अच्छा लगता है या नहीं। दूसरा पॉइंट कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले एक्सप्लोर करो, क्योंकि उसी टॉपिक पे आप इनफिनिटी Right. तक लिख सकते हैं, I तो agree. वो आपका प्लस पॉइंट बनाइए कि आपको किस में इंटरेस्ट है। पहले वो स्टार्ट कीजिए कि आप में क्या इंटरेस्ट है, फिर एक्सपेरिमेंटल रहिए। स्टेरियोटिपिकल लिखना छोड़ दीजिए, मतलब स्टेरियोटिपिकल मत लिखिए। जैसे राइटिंग में ऑलराउंडर बनिए, लाइक क्रिटिसिज्म भी आपको कोई टॉपिक लेते हो तो इस पे क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए, उस टॉपिक को डिफेंड करना आना चाहिए, उसके उसके बारे में इंफॉर्मेटिव लिखना आना चाहिए। तो राइटिंग के बारे में भी ऑलराउंडर बनना जरूरी है। हाँ, राइट, आई एग्री. जैसे कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक मिले तो यू विल बी वेरी हैप्पी ना कि हैप्पी मैं जो एग्जैक्टली ये मेरे फील्ड का है, तो एक एक्स्ट्रा हाँ बेनिफिट बेनिफिट मिलता है. राइटर तो है ही, साथ ही साथ में हम दूसरा फील्ड जानते मिल जाता है एकदम। हैं तो इट विल हेल्प. राइट, आई हाँ एग्री. सो अगर कोई एग्जैक्टली आपने तो बुक सजेस्ट कर दी आपको जो बुक पसंद है, सो हैव यू रेड एनी पोम्स और कोई पोएट्री कुछ पसंद है? बिल्कुल है। मुझे पोएट्री नहीं नहीं पसंद, मुझे पोएट्री पसंद है, बट मुझे ऐसे क्रिटिसिज्म बेस्ड आर्टिकल्स लिखना पढ़ना बहुत पसंद है, जो मैं गूगल पे अक्सर पढ़ती रहती हूँ। हाँ, आज इस जेनरेशन में एटलीस्ट ये बहुत बेनिफिटेड है हम लोग की, हम लोग बहुत डिफरेंट लोगों के व्यूज जान पाते हैं इस चीज से लेकर कि गूगल पे हम लोग एक क्लिक जान में पाते हैं एग्जैक्टली हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं और लोगों के गूगल ओपिनियन. गूगल इज लाइक ओपन बुक। ओ, गूगल गुरु इज, या डेफिनेटली इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आर लाइव्स 21st सेंचुरी में तो बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली नेक्स्ट, एक थॉटफुल क्वेश्चन है. जैसे कि आपने कहा कि आपको रीडिंग बुक्स उतना नहीं पसंद बट रीड करना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा ये लगता है। इक्वेशन मुझे समझ में आया कि बुक्स रीड करना पसंद नहीं बट आर्टिकल्स या कोई और चीजें क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. सो डू यू थिंक कि रीडिंग मोर इज इक्वल टू बेटर राइटिंग? आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा इंप्रूव होगा आपका राइटिंग क्या? जितना हाँ जितना आप पढ़ते हो आपको एक आइडिया आ जाती है कि लिखना कैसे है, और मतलब प्रोफेशनल कैसे लिखना है वो आइडिया आ जाती है। और रीडिंग जितना आप ज्यादा करते हो आपको नॉलेज भी आपका नॉलेज उतना ही ऐड हो जाता है, तो राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही जाती है। हाँ, तो मतलब आपका ये सच में आप मानते हो कि आपने जितना पढ़ा है वो थोड़ा पढ़ा इम्पैक्ट, है वो बेनिफिट। वो थोड़ा क्या एग्जैक्टली ही है आपकी राइटिंग में भी कहीं ना कहीं यू हैव सीन. यस एग्जैक्टली तो हाँ एग्जैक्टली
नेक्स्ट इज कि एक स्ट्रक्चर्ड एसे, जैसे कि आपने ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, तो बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड एसे में क्या होना चाहिए, क्या मिसिंग है, या बहुत लोग क्वेरी करते हैं कि हम लोग कैसे लिखें, कंक्लूजन अलग से हेडिंग बना के, इंट्रोडक्शन अलग से हेडिंग बना के, ऐसा कुछ, या हम लोग एक नॉर्मल पैराग्राफ वाइज लिखते चले जाएं. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ स्ट्रक्चर्ड एसे? ओके, मेरा लिखने का पैटर्न बता दियो आपको. मैं तो पहले एक बहुत ही कैची टाइटल लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितना कैची टाइटल होता है उतना ही अट्रैक्ट करता है वो व्यूअर्स रीडर्स को, इसलिए टाइटल कैची होना चाहिए. सेकंड, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टाइटल, क्योंकि हम वो समरी पढ़ के ही कि पता लगा सकते हैं कि आगे का आर्टिकल हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं. देन वो ऐसे की बॉडी आ जाती है, उसमें हम इन्फॉर्मेटिव डाल सकते हैं, खुद के कुछ इनोवेटिव आइडियाज डाल सकते हैं. बस ये प्रिकॉशन रखना है कि वो बॉडी जो है वो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी ना बने और ज्यादा हमारे आइडियाज भी ना ऐड हो, तो बैलेंस होना चाहिए. देन आता है कंक्लूजन. कंक्लूजन तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, तो कंक्लूजन को हम ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए. ओके, हाँ, तो मुझे लगता है कि ये आइडिया आपको आर्टिकल्स पढ़ने से आया था कि लोगों पढ़ने पढ़ पढ़ के एग्जैक्टली मुझे सुन के लगा कि डेफिनेटली सिंस यू हैव अ वेरी क्लियर व्हाट अ गुड आर्टिकल शुड बी, तो एज एन ऑडियंस और आर्टिकल यस हाँ, जब आप आर्टिकल लिखते हैं ना तब एडिटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक हमने कोट पढ़ा है ना कि आई बिलीव इन सीजर्स मोर देन अ पेंसिल, वो एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है. एडिटिंग भी उतना इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो जैसे कि हम लोग आर्टिकल जब पढ़ते हैं एज एन ऑडियंस, हमें भी लगता है कि अगर इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग नहीं हुआ सो वील स्किप इट, तो डेफिनेटली ये पढ़ने से ही आपको एक आइडिया लगा है कि हाँ, इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी कैची इनफ कि लोग पकड़ पाए कि हाँ, वी शुड रीड इट फर्दर, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. राइट, सो अक्टूबर मंथ का टॉपिक क्या था मोनोमौसमी के प्लेटफॉर्म पे? ओके, एक हमारे अराउंड जो एक इंस्पिरेशनल पर्सन के इंस्पिरेशनल पर्सन पे कुछ लिखना था इंफॉर्मेटिव. ओके, सो कौन आपको इंस्पायर करता है? ओके, सो इस एसे को पढ़कर दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि ये टॉपिक देखा और आई विल बी राइटिंग ऑन दिस, सो ये कैसे आया? ओके, मुझे लिटरली बताती हूँ, मुझे थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही अरुणिमा सिन्हा इनपे एक बायोग्राफी लिखनी ही थी, क्योंकि वो बहुत इंस्पिरेशनल है मेरे लाइफ में, तो उनपे बायोग्राफी मुझे लिखनी थी. और बायोग्राफी लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि आपको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ऐड करके एक बैलेंस्ड आर्टिकल लिखना होता है. तो मुझे मुझे तो पहले ही पसंद आया कि हाँ, मैंने वो टाइटल देख वो थीम देखते ही डिसाइड कर लिया कि यस, मुझे अरुणिमा सिन्हा जी पे लिखना है आर्टिकल, तो लिख दिया मैंने. और मुझे मैं इस ऐसे के रिलेटेड एक पॉइंट बताना चाहूंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो हुआ ऐसा कि मुझे मेरे आर्टिकल्स में कोट्स डालने की बहुत आदत है, बहुत मैं कोट्स डालती हूँ, तो इसके वजह से मेरा प्लेगरिज्म 90% आया था. और वो मैंने वो चेंज नहीं किया था, वैसे ही सबमिट कर दिया था. तो मुझे थोड़े दिन के बाद मोनोमौसमी के तरफ से एक मेल आया कि आपका डिस्क्वालीफाई हो चुका है आपका ऐसे. फिर रिजल्ट आया, ऑफकोर्स मेरा नाम नहीं था उसमें. उसके तुरंत दूसरे बाद ही मुझे मोनोमौसमी की टीम से एक फोन आया कि आपका आर्टिकल है जो आपका आर्टिकल सिलेक्ट हो चुका है, और वो भी थर्ड पोजिशन के लिए. वो मुझे आई वॉज लिटरली नॉट Expecting that, then, expecting नहीं किया था, literally. तो मैं अभी भी नहीं भूल सकती वो.
So it was a funny incident, but यस definitely algorithm का एक issue होता है quotations को लेकर, यस क्योंकि वो detector ये नहीं समझते कि it's a quotation, so we are using यस it. यस मुझे जहां तक लगता है कि एक app में ये भी होना चाहिए कि अगर आप inverted commas में कुछ लिख रहे हो, so it must be लिख रहे derived हो, from somewhere. assume quotation, yes. I have also faced this issue. मैं बहुत बार quotations को मैंने खुद के वर्ड्स में चेंज करने की कोशिश की है, बट वो रिपोर्ट कम्स क्लियर. सो इट हैपेंस. एग्जैक्टली, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट टाइम यू विल बी इन्फॉर्मड कि कुछ ऐसा करेंगे. यस, इस बार जो मैंने ऐसे लिखा है वो मैंने सबसे पहले मैंने प्लगैरिज्म रिपोर्ट देखा कि कहाँ कुछ प्लगैरिज्म आ तो नहीं रहा है, वो सबसे मैंने पहले चेक किया. राइट. सो लास्ट क्वेश्चन, कोई मैसेज ओके, क्वेश्चन है? एक मैसेज, क्या कोई मैसेज देना चाहते हो फॉर द फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स या राइटर्स जो लिखना चाहते हैं? एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव? यस, जैसे मैंने कहा कि हम राइटिंग में ऑलराउंडर होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितना करोगे तब सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी ज्यादा होगा, जब आप एक्सपेरिमेंटल रहते हो. और ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन और बीइंग एक्सपेरिमेंट सिर्फ राइटिंग पे तक सीमित मत रखे, हमारे करियर ऑप्शंस को भी ये अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमें क्या करियर करना है. तो उसका बेस्ट उपाय यही है कि हमें ट्राई एंड एरर मेथड यूज करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कि जो बन पड़ता है सब ट्राई करना चाहिए. उसी की वजह से हम एक्चुअली एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हमारा टैलेंट एक्चुअली है क्या. The science and you यस speaking, trial and error method. यस यस हाँ, definitely. ये बात I really agree कि if you don't explore in yourself, तो you can't find कि exactly आप क्या potential hold करते हो. अगर आप अपने potential को explore ही नहीं करोगे तो वहीं छूट जाएगा. थैंक यू एग्जैक्टली, श्वेता for your time, and we had थैंक a यू सो मच, lovely थैंक यू सो मच, conversation, more लवली of कॉन्वर्सेशन. yeah. So it was यस lovely to एग्जैक्टली, have you, and I hope थैंक people यू सो मच मैम. enjoyed your listening to you, and यस डेफिनेटली, I hope you become your words become an inspiration for them to write more. थैंक यू सो मच. दिस इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर मी. हाँ, डेफिनेटली. अगर कोई फेलो फेलो राइटर कुछ कह रहा है तो इट हेल्प्स एज एन इंस्पिरेशन कि अगर इफ शी एग्जैक्टली कैन डू इट, एग्जैक्टली, आई कैन आल्सो डू इट. आई सो कैन डू इट. यस थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. इट वाज लवली थैंक यू टॉकिंग. मुझे इनवाइट करने के लिए. मुझे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि ऐसा कुछ होगा, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.